तो आज इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको रेट्स के बारे में, जो कि काफ़ी ये होता है कि हमें घर बनाना है तो घर बनाने के लिए, या फिर सिंगल स्टोरी या फिर डबल स्टोरी या थर्ड स्टोरी, जितने भी आप स्टोरी लेना चाहते हो, मतलब फ्लोर लेना चाहते हो बिल्डिंग के लिए, घर बनाने के लिए, तो काफ़ी के माइंड में ये रहता है कि घर बनाने से पहले मुझे बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा घर बनाने में। ठीक है, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर मतलब एक मंजिल आपके घर बन चुका है तो चाहते हो कि आप दूसरी मंजिल भी घर बनाना चाहते हो तो उसमें कितना खर्चा आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। तो ये वीडियो उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि खर्चा कितना आ जाता है घर बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आपका कोई प्लॉट है 25 फीट बाय 40 फीट, कोई 25 फीट बाय 40 फीट का कोई प्लॉट है, 1000 स्क्वायर फीट होगा, तो मैं यहाँ पर बता कहूँगा 1000 स्क्वायर फीट से ही आप 50,000 स्क्वायर फीट का निकाल सकते हो, या फिर आपका 250 स्क्वायर फीट निकाल सकते हो, 1 स्क्वायर फीट का निकाल सकते हो, या फिर 10 बाय 10 का कमरे का जैसे वो खर्च होता है उसके लिए भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये मेथड आते हैं, सबसे पहले आता है अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का निकाल सकते हो तो उससे आप 1 स्क्वायर फीट का निकाल सकते हो। 1 स्क्वायर फीट का आ जाता है तो आप कितने भी एरिया का प्लॉट का जो खर्चा होता है वो आसानी से निकाल सकते हो, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं कॉस्ट, जो सबसे पहले जो खर्चा आता है घर बनाने के लिए वो ले आता है कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मटेरियल। सबसे पहले देख लेते हैं कि काफ़ी लोग के अंदर कंफ्यूजन बनी रहती है कि लेबर पे और मटेरियल पर खर्चा कितना आता है। देखिए, लेबर जो आपके साइट पे कंस्ट्रक्शन पे लगती है उसमें जो खर्चा आता है 30% से 35% लेबर पाता है, स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक। अगर आपके जैसे कि एक्सकवेशन के लिए खर्चा लग रहा है, या फिर आपका ब्रिक मेजरिंग के अंदर लग रहा है, जैसे चुनाई हो रही है उसके अंदर खर्चा लग रहा है, या फिर पेंट हो रहा है घर में, पुट्टी हो रही है, या फिर आपका फर्नीचर लग रहा है, या फिर आपका डोर विंडो जैसे कि लगते हैं, कुछ भी आपके घर के अंदर जो भी काम हो रहा है तो वहाँ पर लेबर की ज़रूरत होती है। अगर वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर प्लम्बर हो या फिर आपका लेबर मिस्त्री हो, उसके अंदर हर लेबर लगती है। तो उसमें जो टोटल खर्चा आता है आपके पूरे मकान में बनाने के लिए, तो उसमें 30 से 35% का खर्चा आता है लेबर पर। उसके बाद जैसे मटेरियल पर कितना खर्चा होता है, मटेरियल पर जो मेन मकसद होता है मटेरियल का, दो ही चीज़ों से आपका घर बनता है, एक तो मटेरियल से, एक लेबर से। तो 65 से 70% तक आपका जो खर्चा आता है वो आता है मटेरियल कॉस्ट पे, सीमेंट, सैंड, स्टील, पेंट, वुड, फर्नीचर, फैंस, प्लस जो भी कॉस्ट आपके पास लगता है, पेंट वेंट जो भी खर्चा होता है वो लगता है आपका 65 से 70%। तो ठीक है, लास्ट तक देखते रहिए, मैं इनिशियल स्टेप्स से बता रहा हूँ ताकि आपको जो भी डाउट होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, परसेंटेज भी निकालना बता दूंगा मैं, हर चीज़ का आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तभी आप समझ पाएंगे मेन मकसद। दूसरा देख लेते हैं हम पर्पज़, तो कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन एंड प्लिंथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो आपका खर्चा आ रहा है फाउंडेशन में और प्लिंथ लेवल तक, आपको जो प्लिंथ लेवल तक का जो खर्चा आता है 10 से 15% किसका आता है, पूरे मकान बनाने में जितना भी खर्चा आता है उसका 10 से 15% आपका फाउंडेशन के अंदर ही चला जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ग्राउंड फ्लोर, आपने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर या आपका एक मकान हो गया दूसरी मंजिल, पहली दूसरी तीसरी मंजिल आपने बनाया, तो इसमें क्या लिया, फाउंडेशन लिया, तो इसमें ब्रिकवर्क भी हुआ, कॉलम भी हुई, फुटिंग भी हो गई, तो इसमें जो टोटल खर्चा आया जो उसके पूरे मकान का बनाने में खर्चा आएगा उसका आया गया 10%। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि पूरे बिल्डर इसके भी बनाने की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बस सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की और फाउंडेशन की। तो इसमें खर्चा आता है 10%, इसमें आपका आता है 90%। तो इसके अंदर भी आपका कितना आता है, इसके अंदर आपका खर्चा बढ़ जाता है 90 से 95% तक आता है, 5% फिर भी बच जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो लिफ्ट चार्ज होता है, इसके अंदर लिफ्ट चार्ज होता है जिससे लेबर बढ़ जाती है, मटेरियल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मटेरियल वही रहता है, लेकिन बस एक हाँ खर्चा होता है लिफ्ट चार्ज पे, लेबर चार्ज बढ़ जाती है, लिफ्ट चार्ज बढ़ जाती है, मेन खर्चा उसी के अंदर आता है। ठीक है, मेटल पर वही खर्चा रहता है। इसके के ऊपर जैसे कि जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं उसमें आप 5% का खर्चा पड़ता रहता है, इसके अंदर 5% खर्च हुआ, इसके अंदर भी 5% खर्च हुआ, तो वो बढ़ता चला जाता है। तो इसका जितना इस खर्चे में हमेशा ध्यान रखना, जो ग्राउंड फ्लोर आपने मकान बनाया और फाउंडेशन बनाई, जो खर्चा इसके अंदर आएगा वो आपका सेकंड स्टोरी में नहीं आएगा, पर लेकिन थर्ड स्टोरी के अंदर वो खर्चा बन जाता है, क्योंकि जो लिफ्ट चार्ज होता है, लेबर चार्ज होता है, उसके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, और प्लस फ्लोरिंग, तो ये पर्पज़ था मेन। तो उसके अंदर देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट कॉस्ट। देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो आप खुद से ही डायरेक्ट सब कुछ मकान बनवाने में लेबर का चार्ज खुद करवाते हो,
पेंट वेंट खुद करवाते हो, जो भी लेबर चार्ज करते हो अपने से करवाते हो, खुद से मेटेरियल खरीदते हो, तो वो डायरेक्ट वो होती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें आता है 85% खर्चा आता है टोटल कॉस्ट का। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपसे ले रहा है 1000 स्क्वायर फीट, मैं 1000 स्क्वायर फीट चार्ज करूँगा, बट लेकिन वो 1000 स्क्वायर फीट में से आपका आ जाता है 850 स्क्वायर फीट आपका रेट पड़ जाता है अगर आप खुद से बनाते हो तो। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं ओवरहेड कॉस्ट। इससे अलग कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि टोटल कॉस्ट का ओवरहेड कॉस्ट क्या बनता है, जैसे कि सुपरविजन चार्जेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बहुत से जो खर्चे होते हैं, तो वो खर्च कितने होते हैं 15%। अगर आप खुद से नहीं बनवाते हो, आप चाहते हो कि सुपरविजन चार्जेस कर दे या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर को या किसी बिल्डर को दे दे, तो वो खर्चा आ जाता है 15%। या फिर ये मान लीजिए जो आपका बिल्डर बना रहा है, जो साइट पे बिल्डर बना रहा है, वो 15% उसको बचता है, 15% में से भी वो आपका बाइक पेट्रोल मान लीजिए, उसका लेब सुपरविजन चार्जेस मान लीजिए, काफ़ी खर्चे हो जाते हैं बिल्डर के अंदर। ठीक है, अगर आप किसी बिल्डर से बनवाते हो तो बिल्डर को भी इसमें से 15% में से आपका बिल्डर को बचता है ओनली 10%। ठीक है, तो वही अगर आप खुद बनवाते हो, अगर आप खुद से बनवाते हो, तो आपको पूरा 15% बचता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, कंडीशन क्या आती है फोर्थ पॉइंट के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेकेंड स्टोरी बिल्डिंग, सेकेंड स्टोरी बिल्डिंग होगी आपकी फर्स्ट स्टोरी और सेकेंड स्टोरी बिल्डिंग। तो सेकेंड स्टोरी बिल्डिंग के अंदर 85 से 90% तक का आपका खर्चा आ जाता है सेकेंड स्टोरी बिल्डिंग बनाने के अंदर। तो ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब कैटेगरी देख लेते हैं कॉस्ट बनाने के, ये आपको क्लियर हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं हमारे अंदर, फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर कोई भी घर बनाने के लिए उसमें खुद से बनवाएं या फिर किसी बिल्डर से दीजिए, तो उसका मैंने जो बता रहा हूँ ये बिल्डर को देने के लिए, अगर आप किसी बिल्डर को देते हैं तो खर्चा कितना पड़ जाता है। अगर आप खुद से करवाते हो ओनली 10% आपको ही बचता है। टाइप क्लास ए, अगर आपके पास टाइप ए बिल्डिंग बना रहे हो, टाइप ए बिल्डिंग में होता है आपका 1600 से 2500 स्क्वायर फीट, 1600 से 2500 आपका फर्स्ट क्लास घर बनवा रहे हो, तो उसमें 1600 से 2500 खर्चा आ जाता है। इसमें आपका मॉडल क्लास किचन बन जाता है, मॉडुलर बाथरूम बन जाता है, आपका फर्नीचर भी अच्छा ले जाते हैं, फैन वैन सब आ जाता है उसके अंदर। तो काफ़ी जितना आइटम बढ़ता रहता है आपके घर बनाने के लिए, जो भी आइटम बढ़ता रहेगा उतना ही खर्चा बढ़ता रहता है, उतना ही रेट बढ़ते रहते हैं स्क्वायर फीट के अंदर। और बी पॉइंट देख लेते हैं, 1000 से 1500 स्क्वायर फीट, इसके अंदर आपका पेंट आ जाता है, वुड वर्क आ जाता है, इसमें आपका कोई बेड नहीं आएगा, कोई फैन नहीं आएगा, बट लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल पाइपिंग, वायरिंग, स्विचिंग बोर्ड, आपका वुड वर्क, डोर फ्रेम, प्लस जो डोर फ्रेम हो गया और ओपन जो पल्ले होते हैं जिसको बोलते हैं आपको डोर, ठीक है, जो शटर बोलते हैं जिसको, तो वो भी आपको इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, बट लेकिन इसके अंदर और थोड़ा मॉडल बन जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं, अगर आप घर बनाना चाहते हो 800 से 1000 रुपये में, ये भी आप खुद से भी बना सकते हो, तब भी इतना खर्चा आ ही जाता है। अगर आप खुद बनवाना चाहते हो घर, तो 800 से 1000 रुपये तक का खुद बनवाने में भी इतना खर्चा बन जाता है, जिसके अंदर पेंट आ गया आपका, और आपका डोर जो चौकट्स होती हैं, जो डोर फ्रेम होते हैं, विंडो फ्रेम होते हैं, वो आ जाता है। लेकिन इसमें जो जैसे कि डोर फ्रेम के अंदर जो पल्ले लगाते हैं, जो शटर लगाते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ना इसमें कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंक्लूड है। ठीक है, इसके अंदर कोई बिजली का जो फैन वैन आते हैं वो भी इंक्लूड नहीं है। जो आइटम्स होते हैं, जो बिल्डर होता है वो अपने आइटम रख देगा, मुझे इतना खर्चा आना है, इतना आता है, तो वो आपको आइटम रख देता है। लेकिन 800 रुपये में आपका ब्रिक वर्क हो जाता है, वाइट वाश हो जाती है, और डोर विंडो के फ्रेम लग जाते हैं, इतना खर्चा आता है, और वाइट वाश सिंपल ये हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंड होता है तीनों में, जितना जो भी आइटम बढ़ता रहेगा उतने खर्चा इसमें जो भी इतना आइटम जुड़ता रहता है। जैसे कि आपने 800 से 800 स्क्वायर फीट आपको कोई घर बनवा रहा है, जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे मॉडल किचन या मॉडल बाथरूम बनवाना है, तो उसमें आपको वो 200 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट ऐड कर देगा। ठीक है, तो उसमें आपका मार्बल हो गया, फिर टाइल फ्लोरिंग होगी, या फिर वॉल हो गया, तो उसमें किचन सिंक हो गया, बाथरूम के अंदर मॉडलों सीट हो गई, तो काफ़ी आइटम आपको दे देगा। ठीक है, और या फिर सीमेंट आपको दे देगा, ये सीमेंट यूज करना है, उसमें अंदर दे देगा स्टील, ये स्टील यूज करना है, और डोर फ्रेम के अंदर दे देगा आपको कैटेगरी, जो कोई कौन सी लकड़ी उसमें यूज करनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है मेन आपको जानने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे पार्ट्स के बारे में, सीमेंट, सैंड, स्टील और डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं घर बनाने के लिए, उस पर कितना खर्चा आता है। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।